मुंबई में एक बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था। चार दोस्त आकाश, निखिल, श्रुति और निकिता वो कॉन्सर्ट में जाने के लिए मुंबई आते हैं। मुंबई में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि कॉन्सर्ट दोपहर में नहीं शाम को होने वाला है, तो वो उतने टाइम होटल में रुकने का प्लान करते हैं। शाम को उनके होटल में मैनेजर की डेड बॉडी मिलती है। मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल सबको बुलाता है और एक एक करके चारों से क्वेश्चंस पूछता है। आकाश, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं गोल्फ खेल रहा था। निखिल, मुझे भी कुछ नहीं पता है, मैं शॉपिंग करने के लिए मॉल गया हुआ था। श्रुति, मैं अपने कपड़े धोने के लिए होटल के लॉन्ड्री रूम में गई थी। निकिता, मैं उस टाइम बाथरूम में थी। सबके बयानों को सुनने के बाद मेहुल तुरंत खूनी को पकड़ लेता है। कैसे? मेहुल को कैसे समझा खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं सारे क्लूज को ध्यान से देखने के लिए। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी श्रुति है। अगर वो एक दिन के लिए मुंबई आए थे तो कपड़े धोने की क्या जरूरत पड़ी, मतलब वो झूठ बोल रही थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने 6 ग्लासेस रखे हुए हैं। पहले 3 खाली है और बाद के 3 भरे हुए हैं। आपको खाली और भरे ग्लासेस को ऑल्टरनेट करना है, कुछ इस तरीके से, और आप बस 1 ग्लास को हाथ लगा सकते हैं। तो बताइए आप ये कैसे करेंगे? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। पांचवें नंबर के ग्लास को उठाइए और उसका पानी दूसरे नंबर के ग्लास में डाल दीजिए, तो हो गए खाली और भरे ग्लासेस अल्टरनेट, और हमने बस 1 ग्लास को हाथ लगाया। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस टी-शर्ट को ध्यान से देखिए और बताइए इसमें कितने होल्स हैं। आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें 8 होल्स है। 2 होल्स तो सामने हैं, 2 स्लीव्स के होल है, 1 होल ऊपर है, 1 होल नीचे है और 2 होल्स पीछे है, तो टोटल हो गए 8 होल्स। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने अब 4 ग्लासेस रखे हुए हैं। इनको आप ध्यान से देखिए और बताइए किसमें सबसे ज्यादा पानी है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। पिन वाले ग्लास में सबसे ज्यादा पानी है। जितना वेट पानी में जाता है उतना ही पानी ऊपर आता है। पिन सबसे हल्का है, मतलब सबसे कम पानी उसी में ऊपर आएगा, फिर भी उसमें पानी बाकी ग्लासेस के बराबर है, मतलब उसमें सबसे ज्यादा पानी है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इन 2 सर्कल्स को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा सर्कल बड़ा है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। दोनों सर्कल्स बराबर हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इसमें कितने 7 हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें 7 7 है, 6 7 अंदर है और 1 7 बड़ा वाला बाहर है, तो टोटल हो गए 7। अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, अगर नल से हमेशा पानी आता रहेगा तो कौन सा टैंक सबसे पहले भरेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आंसर 3 और 4 दोनों 7 में भरेंगे। 3 पहले 4 के पाइप तक के भर जाएगा, उसके बाद टैंक 4 भरना शुरू हो जाएगा। जब टैंक 4 भी उसके पाइप जितना आ जाएगा तो उसके बाद से 3 और 4 दोनों 7 में भरना शुरू हो जाएंगे और दोनों 7 में फुल होंगे।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने तीन बंदूक के होल्स दिख रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और बताएं कौन सा होल सबसे पहले हुआ है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। होल टू सबसे पहले हुआ है। अगर आप देखेंगे तो होल टू के सारे निशान लंबे गए हैं और होल वन एंड होल थ्री के निशान होल टू के निशानों पे आके रुक गए हैं। मतलब होल टू पहले हुआ है, इसलिए होल वन और होल थ्री के निशान वहां पे आके रुक गए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या आप इनमें से थ्री बॉल्स ऐसे निकाल सकते हैं जिनको ऐड करने पे सम 30 हो जाएगा? पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आप बॉल नंबर 9, 11 और 13 लेंगे। बॉल 9 अगर आप घुमा देंगे तो वो 6 बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 + 11 + 6 = 30। चलिए अगली पहेली देखते हैं। स्कूल का पहला दिन था और एक स्टूडेंट की मृत्यु हो जाती है। तहकीकात करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल पूरी तहकीकात करता है और 4 सस्पेक्ट निकल के आते हैं, डीन, मैथ्स टीचर, मेल बॉय और स्वीपर। मेहुल चारों से क्वेश्चन करता है। डीन, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। मैथ टीचर, मैं क्लासरूम में थी, बच्चों के असाइनमेंट चेक कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। मेल बॉय, मैं तो मेल्स लेने गया था। स्वीपर, मैं तो टॉयलेट की साफ सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल चारों की गवाही ध्यान से सुनता है और तुरंत चोर को पकड़ लेता है। कैसे? मेहुल को कैसे समझा खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। खूनी मैथ्स टीचर है। स्कूल का पहला दिन था, कोई पहले दिन पे मिड सेम के असाइनमेंट कैसे चेक कर सकता है? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार कॉफी पीने के लिए मुंबई के एक रेस्टोरेंट में जाती है। लिया ने वेटर को बुलाया और कॉफी ऑर्डर कर दिया। वेटर ने लिया को कॉफी लाके दे दिया। लिया कॉफी पीना शुरू ही कर रही थी तो उसको कॉफी में एक मच्छर दिखा। लिया ने तुरंत वेटर को बुलाया, उसे चिल्लाया और कॉफी वापस भेज दिया और उसे दूसरी कॉफी लाने के लिए कहा। वेटर रिया के लिए दूसरी कॉफी लेके आ गया। रिया ने कॉफी पिया और तुरंत पकड़ लिया कि ये पुरानी कॉफी ही है। वेटर ने रिया को वही कॉफी वापस लाके दे दिया था, बट ये रिया को समझा कैसे? क्या आप बता सकते हैं? क्लू वीडियो में ही है, तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेबल पे शुगर की डब्बी कॉफी आने के बाद अपनी जगह से हिल गई है। मतलब रिया ने कॉफी में शुगर मिलाया था। जब वेटर दूसरी कॉफी लेके आया तो उसमें शुगर ऑलरेडी एडेड था। उससे रिया समझ गई कि वेटर वापस वही कॉफी लेके आ गया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, ए, बी, सी या डी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इस पिक्चर का सही शैडो है बी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो घरों में आग लग गई थी, एक अमीर के घर में और एक गरीब के घर में। आप बताइए पुलिस सबसे पहले किस घर की आग बुझाएगी, अमीर या गरीब? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
पुलिस आग नहीं बुझाती, आग तो फायर ब्रिगेड बुझाती है। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।